विश्राम गृह ऊना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवसेना बाल ठाकुर के जिला प्रभारी राजीव मेमन ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आने वाली 25 नवंबर को राम मंदिर निर्माण के लिए मुंबई से हजारों शिव सैनिकों के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। उनके इस कदम को देखते हुए जिला ऊना से भी 100 शिव सैनिकों का जत्था राम मंदिर निर्माण के लिए ऊना से 23 नवंबर को चलेगा और उस आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। जिस प्रकार शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने मंच से दशहरे वाले दिन आगाज किया था कि 25 नवंबर को हम अयोध्या जाकर राम मंदिर का निर्माण करेंगे, तो जिला ऊना का इसमें क्या योगदान रहने वाला है? ऊना जिला से कम भी 50 कार्यकर्ता शिवसेना में जाएंगे जहाँ से और अयोध्या मंदिर के लिए पूरा अपना जो भी सहयोग करेंगे। तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? पहले तो मंदिर का जो मुद्दा उठाया उद्धव जी ने उसके बारे में वहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई, वहाँ मंदिर करेंगे, उसके बाद फिर जो भी आदेश होंगे पार्टी हाईकमान के उन्हें करेंगे। तो यहाँ से आपने बताया है कि 50 कार्यकर्ता जा रहे हैं, तो मेन उद्देश्य वहाँ पर जिस प्रकार उन्होंने उस मंच से बोला था कि हम राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, तो क्या संभव हो सकता है? देखो कोशिश तो करेंगे हम। तो जिस प्रकार आपने देखा है कि केंद्र सरकार भी पीछे हट चुकी है और यूपी की जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है वो भी अभी तक राम मंदिर को बनाने में सफल नहीं हुई, कोई कारगर उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है, जबकि उन्होंने बोला था कि दीपावली दिन हम बड़ी घोषणा करेंगे। चक्कर है, ये सब लोग वोटों की खातिर करते हैं, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, हम तो सिर्फ जाएंगे और मंदिर बनाएंगे। उद्धव जी जाएंगे 25 नवंबर को, वहाँ पे मंदिर का जो शिलान्यास करना शुरू करेंगे, उसके लिए पूरे जोर से हम भी जाएंगे, शिवसेना पूरा करेंगे, जिससे कि मंदिर बाकी पार्टियों ने सिर्फ वादा करा थे कि सिर्फ अपने वोटों की खातिर किया उन्होंने, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी हमारा पूरा साथ दे ताकि ये मंदिर का काम है जो काफ़ी सालों से अधूरा पड़ा है वो पूरा जल्द से पूरा हो सके। तो क्या राम मंदिर के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है? बिल्कुल किया गया, आज तक खिलवाड़ ही करते आए हैं, इसीलिए उद्धव जी ने वहाँ से बॉम्बे से दशहरे वाले दिन जो घोषणा की है उसके साथ साथ हम भी चाहते हैं भी होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, काफी लोग चाहते हैं, हिंदू जो है वो चाहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए वहाँ। तो अध्यादेश की बात हो रही थी कि अगर इस प्रकार हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला नहीं आ रहा है तो अध्यादेश लाना चाहिए, तो इसके कितने समर्थन में है? हम तो पूरे समर्थन में भी जल्दी से जल्दी मंदिर कर जैसे तैसे करके मंदिर बनना चाहिए बस। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए ऊना से पूनम शर्मा की रिपोर्ट। मैं राजेश ठाकर गगरेट की जनता को और प्रदेश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली के पर्व के ऊपर देता हूं और मैं ये कामना करता हूं कि सबके घर में सुख शांति बनी रहे। कार आपके शहर गणेश बाजार बैनात में श्री साई इलेक्ट्रॉनिक की एक नई शॉप खुली है, कृपया सेवा का मौका दें। हमारे यहां सैमसंग हायर लिप्योर इलेक्ट्रिकल चिमनी वॉशिंग मशीन IFP सभी प्रकार के प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक उपलब्ध हैं सस्ते दामों पर। दिवाली के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ विशेष छूट दी जा रही है, कृपया एक बार सेवा का मौका जरूर दें। धन्यवाद।